यस, क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन इज फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स कॉमन टू टू एपी. वन इज 258 एंड सो ऑन अप टू 50 टर्म्स एंड 3579 एंड 3579 एंड सो ऑन अप टू 60 टर्म्स. मीन्स आपको करना क्या है, आपके पास में 2 AP दी हुई है. इन 2 APs के अंदर कॉमन टर्म्स कितनी होंगी आपको वो बतानी है. जबकि फर्स्ट एपी जो जा रही है ये 50 टर्म्स तक लिखनी है मुझे, एंड सेकेंड एपी मुझे 60 टर्म्स तक लेनी है. तो इन दोनों एपी में नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स कितनी होंगी हमें ये फाइंड करनी है. ठीक है, पहले आप ट्राई करो, फिर मैं इसे सॉल्व करूंगा. चलो अब हम सॉल्व करते हैं, आप देखना. देखो, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स कॉमन टू 2 AP. फर्स्ट एपी इज, फर्स्ट एपी इज 258 एंड सो ऑन अप टू 50 टर्म्स. तो देखो, जब 258 आप इसकी 50th टर्म निकालते हो तो 50th टर्म आ जाएगी T50 इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस. देखो 3 का गैप है तो 50th टर्म आएगी 2 + 50 - 1 × D, मतलब 49 × 3. तो 2 + 49 × 3, 9th is 27, 4th is 12. आई थिंक 147 + 2 इट इज इक्वल टू 149. फिर चेक कर देना, 49 × 3 इट इज इक्वल टू 147 + 2, 149. इसकी 50th टर्म आई है 149. एंड ये तो फर्स्ट एपी हुई. सेकेंड एपी क्या हुई, 3, 5, 7 एंड सो ऑन अप टू 60th टर्म. तो सेकेंड एपी की 60वीं टर्म कितनी होगी, इट इज इक्वल टू 3 + 60 - 1 × D. इसमें कॉमन डिफरेंस 2 का है, सो इट इज इक्वल टू 60 - 1 = 59 × 2. 59 × 2 = 118 + 3, इट इज 121. 118 + 3 = 121. तो आपके पास ये 2 AP जा रही है. अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है, इन 2 AP की फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स कॉमन टू 2 AP. इन दोनों APs में जो कॉमन टर्म्स हैं आपको उस सीरीज को फाइंड करना है, और कितनी कॉमन टर्म्स होंगी ये बताना है. तो सबसे पहला स्टेप आप क्या करो, इन दोनों सीरीज में जो सबसे पहली कॉमन टर्म है वो निकाल दो. तो देखो कॉमन एपी क्या आने वाली है, बड़ा सिंपल रूल है. कॉमन एपी फर्स्ट टर्म उसकी 5 है, फर्स्ट टर्म 5 है. अब एक तो तरीका है, आप यहां से कॉमन एपी की अगली टर्म निकालो. जैसे इधर देखा था 2 के आपने 3 ऐड किया, 5 + 3 = 8 + 3 = 11 एंड सॉन करके निकालो. और यहां पर भी 3 + 2 = 5 + 2 = 7 + 2 = 9 + 2 = 11. तो 11 नंबर सेकंड आएगा कॉमन. एक तो तरीका यह है, यानी कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए आप क्या करो, पहले सीरीज लिख दो 2, 5, 8, 11 और 3 है तो 14, 17 एंड सॉन. और इधर से 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 एंड सॉन. फर्स्ट कॉमन टर्म 5 आई, सेकंड कॉमन टर्म 11 आई, थर्ड कॉमन टर्म 17 आई. तो देखो 5, 11, 17 इट इज ऑल्सो एपी, ये भी एपी होगी. 5, 11, 17 एंड सॉन ये भी एपी होगी. और इसमें गैप कितने कितने का है, 6 6 का. तो एक तरीका तो ये मैं ऐसे निकालूं, और एक तरीका ये है कि आप फर्स्ट टर्म तो निकाल दो कॉमन एपी की. फर्स्ट टर्म तो निकाल दो, इट इज 5. और देखो फर्स्ट एपी में, फर्स्ट एपी में कॉमन डिफरेंस था
थ्री का, सेकंड एपी में कॉमन डिफरेंस था टू का। तो ये जो कॉमन एपी आएगी इसमें कॉमन डिफरेंस होगा एलसीएम। ये यू रूल याद रखना, इन दोनों नंबर्स का आपको एलसीएम लेना है, यानी कि इस एपी और इस एपी में जो कॉमन डिफरेंसेस आएंगे आप उसका एलसीएम ले लो, इट इज इक्वल टू 6। तो जो कॉमन एपी आएगी उसमें फर्स्ट टर्म तो 5 होगी एंड कॉमन डिफरेंस होगा 6 का। फर्स्ट टर्म तो 5 आएगी एंड कॉमन डिफरेंस होगा 6 का। तो देखो हमारे पास में फर्स्ट टर्म भी आ गई और कॉमन डिफरेंस भी आ गया। अब नाउ कॉमन सीरीज की बात कर रहा हूं, उसकी फर्स्ट टर्म होगी 5, फिर 6 का गैप 11, फिर 6 का गैप 17 एंड सो ऑन। अब आपके पास कॉमन सीरीज में जितनी भी टर्म्स आएंगी वो इन दोनों नंबर में से जो छोटा नंबर है या तो वहां तक जा सकती है या उससे कम तक जा सकती है। यू समझो ए और बी दो पर्सन है, साथ में चलना स्टार्ट हुए या कहीं से भी चलना स्टार्ट हुए, चलते 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 एक जना यहां पर रुक गया और एक जना चलते हुए आगे रुका, तो इनके जो कॉमन स्टेप्स हैं वो तो यहीं तक ही कैलकुलेट हो सकते हैं क्योंकि आगे तो ये निकल गए, इसके स्टेप कहां क्या कॉमन हो सकते हैं। तो ऐसे ये तो 149 तक एक सीरीज जा रही है और सेकंड जा रही है 120 तक, तो कॉमन टर्म्स जो आएगी वो 121 तक पहुंचेगी या 121 से पीछे रह जाएगी। तो इस सीरीज का TN शुड बी लेस देन इक्वल टू 121 होगा, या तो 121 होगा या 121 से स्मॉल होगा। सो TN विल बी 5 प्लस n माइनस 1 इंटू 6 इज लेस देन इक्वल टू 121। तो क्या करो, सॉल्व करना स्टार्ट करो, 5 प्लस 6n माइनस 6 लेस देन इक्वल टू 121। सो 5 प्लस 6n, 5 माइनस 6 माइनस 1, 6n आ गया लेस देन इक्वल टू माइनस 1 उधर आते ऐड हो गया 122। सो n इज लेस देन इक्वल टू 122 अपॉन 6। सो n 20 एंड 2 बाई 6 से स्मॉल होगा। अब सुनो n की वैल्यू या तो 20 एंड 2 बाई 6 होगी या उससे स्मॉल होगी, n हमेशा नेचुरल नंबर होता है। सो n शुड बी 20, मींस इस सीरीज की जो नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स होंगी वो 20 होंगी। इस सीरीज में जो नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स होंगी इट विल बी 20। ओके, राइट डाउन। चलो अब कुछ पॉइंट्स की बात करते हैं। देखो हमने बेसिक से जो पहले पॉइंट किए थे मैं उसे रिपीट करते हुए आगे बढ़ रहा हूं। आपने पढ़ा था अगर कोई भी एपी है तो एपी की फर्स्ट टर्म ए होती है, सेकंड होती है ए प्लस डी, थर्ड होती है ए प्लस टू डी, फोर्थ होती है ए प्लस थ्री डी एंड सो ऑन, चलते हुए nth टर्म आती है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो अगर कभी भी हम लिखते हैं nth टर्म फ्रॉम स्टार्ट या बिगिनिंग इट विल बी टी एन, और ये होती है ए प्लस एन माइनस वन इंटू सॉरी डी। ये स्टार्ट से nवी टर्म के रूल था। अब मैं इसमें आगे बढ़ता गया और मैं एक सीरीज में एंड पर चला गया तो लास्ट टर्म आई एल, मान लो मेरे पास में लास्ट नंबर पे एल टर्म आ रही है तो देखो सब में डी एड हो रहा है तभी आगे बढ़ रहे हैं। तो अगर लास्ट टर्म एल है तो उससे पीछे वाली टर्म एल माइनस डी होगी। आप और पीछे चलोगे तो एल माइनस टू डी, और पीछे देन एल माइनस थ्री डी, एल माइनस फोर डी प्लस एंड सो ऑन। लास्ट टर्म एल, सेकेंड लास्ट एल माइनस डी, थर्ड लास्ट एल माइनस टू डी, फोर्थ लास्ट एल माइनस थ्री डी, फिफ्थ लास्ट एल माइनस फोर डी एंड सो ऑन। लास्ट से अगर आप nth टर्म पे आओगे तो एल माइनस वन इंटू एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी होगी। ये रूल होता है nth टर्म फ्रॉम लास्ट या कह सकते हो फ्रॉम एंड, तो इसको आप ऐसे लिख दो टी एन, यहां पर एल लिख दो, एल का मतलब लास्ट से nth टर्म, ये हो जाएगा
एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी। अगर आप स्टार्ट से nth टर्म निकाल रहे हो और आपको शुरुआत की टर्म पता है तो लिखोगे a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अगर आप लास्ट से nवीं टर्म निकाल रहे हो तो l माइनस एन माइनस वन इंटू डी। ये दोनों रूल याद रखना। अच्छा, अगर मैं ऐसे करता हूं, देखो इसकी फर्स्ट टर्म a है और लास्ट टर्म l है, अगर मैं फर्स्ट और लास्ट को ऐड करता हूं, कुछ बेसिक सा रूल और बता रहे हैं, फर्स्ट प्लस लास्ट करते हो आप टर्म तो a प्लस एल आएगा। ऐसे ही सेकंड और सेकंड लास्ट को ऐड करते हो, सेकंड एंड सेकंड लास्ट को ऐड करते हो तो इट विल बी l माइनस डी ए प्लस डी। ऐड करते ही d से d कैंसिल, सेकंड और सेकंड लास्ट को ऐड करते ही अगेन a प्लस एल। आप थर्ड और थर्ड लास्ट को ऐड करते हो तो ये तो है थर्ड लास्ट ए एल माइनस टू डी, इधर है ए प्लस टू डी। जैसे ही ऐड करोगे टू डी कैंसल ए प्लस एल, तो एक रूल बनने लग गया। आप स्टार्ट से लो या एंड से लो, इक्वल डिस्टेंस पर सम टर्म्स का सम हमेशा सेम होता है, सेम होता है। सो एक रूल आ गया, सम ऑफ टर्म्स फ्रॉम इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बिगिनिंग एंड From and first से और last से equal distance पर term का sum is constant। आप start से और last से equal distance पर जाओगे और उनका sum लोगे तो हमेशा constant आएगा and it is equal to a plus l। a plus l means first plus last term, इट इज इक्वल टू फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म। आप इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ सकते हो क्योंकि काम आने वाली रूल है। अभी मान लो आपने ये सीरीज लिख दी 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, मैंने इतनी ही टर्म्स लिखी। आप फर्स्ट और लास्ट 1 और 17 का एडिशन करो, इट विल बी 18। आप 3 और 13 का एडिशन, सॉरी 1 प्लस, अच्छा इधर 15 रह गया, आप 1 और 17 का एडिशन कर रहे हो 18 आएगा। यहां से सेकंड और वहां से सेकंड का एडिशन करो, इट विल बी 18। थर्ड और थर्ड का एडिशन करो, वहां से 18, 7 एंड 11 का 18, और बीचों बीच में एक ही टर्म है तो उसका डबल कर दो तो वो भी 18 होगा। तो इस रूल को याद रखना, स्टार्ट से nth और लास्ट से nth टर्म का जब भी आप सम करोगे इट विल बी कॉन्स्टेंट ऑलवेज। ओके, राइट डाउन। अब एक रूल और हमेशा याद रखना, ये परमानेंट है, पहले बता चुका हूं, कोई भी एपी होगी उसकी जनरल टर्म हमेशा इस फॉर्म में होगी, ए एन प्लस बी की फॉर्म में होगी। कोई भी एपी हो उसकी जनरल टर्म, कभी भी आपको कोई सीरीज मिल जाए टी इजिकल टू टी एन इजिकल टू 7n+8 तो वो एपी है, टी एन इजिकल टू 9n-3 वो एपी है, टी एन इजिकल टू 11n-5 एपी है, Tn is equal to 5/3n+7/9 वो AP है। तो जो ऐसी फॉर्म में मिलेगी इट इज ऑलवेज AP। एंड इस सीरीज को देखते ही पहचान कर लेना, कॉमन डिफरेंस हमेशा n का मल्टीपल होगा, इट विल बी a। अब यहां पर a का मतलब फर्स्ट टर्म नहीं है, ये है जो n होगा उसका मल्टीपल, n का मल्टीपल। और कैसे, क्योंकि आपने रूल पढ़ा है कॉमन डिफरेंस क्या होता है, Tn-Tn-1। तो Tn हमारे पास में क्या है, इधर सीरीज में इट इज इक्वल टू An+B एंड Tn-1 क्या हो जाएगा, An-1+B। B इधर प्लस का है, इधर B माइनस का है, कैंसल, इट इज इक्वल टू An माइनस
ए एन माइनस ए माइनस प्लस का ए. तो देखो ए एन से एन कैंसिल हो गया, कॉमन डिफरेंस इज ए. तो कोई भी एपी होगी, एक तो वो हमेशा इस फॉर्म की होगी, और अगर पूछते कॉमन डिफरेंस क्या आने वाला है तो सॉल्व मत करने बैठ जाना, सीधा एन का जो मल्टीपल है इट इज कॉमन डिफरेंस, खत्म. अब मैं अगर मान लो आपके सामने कुछ सीरीज लिख दूं, ये टी एन इज इक्वल टू सेवन अपॉन थ्री एन प्लस इलेवन, टी एन इज इक्वल टू नाइन अपॉन थर्टीन विद माइनस साइन माइनस फोर अपॉन फाइव एन, तो ये भी एपी है. अगर मैं लिख देता हूं टी एन इज इक्वल टू एट एन स्क्वायर प्लस थ्री, ये एपी नहीं है. क्यों? क्योंकि इसकी जनरल टर्म ही एन स्क्वायर में आ गई है. तो सीरीज को देखते ही आप पहचान सकते हो कि ये एपी है या नहीं है. ठीक है, राइट डाउन. चलो अब आगे चलते हैं. देखो आपके पास में कोई भी सीरीज है, एपी चल रही है. हमारे पास में हमने अभी भी रूल लिखा था, स्टार्ट से nth टर्म हो तो रूल लगेगा a प्लस एन माइनस वन इंटू डी. बट अगर यही लास्ट से nth टर्म निकालनी हो तो हमने अभी रूल बताया था l माइनस एन माइनस वन इंटू डी होता है. बट एक रूल और भी है, अगर आपके पास में इन एनी सीरीज इफ टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आर m, कोई भी सीरीज है उसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स m है और हमसे पूछे nth टर्म फ्रॉम लास्ट क्या होगी, मतलब लास्ट से n वी टर्म निकालनी है, टोटल नंबर ऑफ टर्म m है, तो इसके लिए फार्मूला आएगा इट इज इक्वल टू m माइनस n प्लस वनth टर्म फ्रॉम स्टार्ट. ये रूल याद रखना, अगर आपके पास में सीरीज में टोटल m टर्म्स हैं और हम चाहते हैं लास्ट से nth टर्म निकालना, टोटल टर्म्स m है और हम चाहते हैं लास्ट से nth टर्म निकालना, तो इट विल बी m माइनस n प्लस वनth टर्म फ्रॉम स्टार्ट. कैसे, एक एग्जांपल से समझाता हूं. जैसे मैंने एक सीरीज लिख दी 4, 3, 3 की गैप से लिख रहा हूं 7, 10, 13, 16, 19, 20, 2, 3 गैप है, 25, 28, 31, 34. ये मैंने एक सीरीज लिखी, इसमें टोटल टर्म्स अब काउंट कर रहा हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. मेरे पास में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ये सिर्फ समझाने के लिए, मेरे पास से टोटल टर्म 11 थी, मींस m की वैल्यू यहां पर कितनी है 11, इट इज परमानेंट. अब कोई मुझसे कहता है कि सर लास्ट से फोर्थ नंबर की टर्म्स बताओ, फोर्थ फ्रॉम लास्ट, तो सीधा रूल होगा t 11 माइनस 4 प्लस वनth, 11 माइनस 4 प्लस 1, 11 प्लस 1 12 में से 4 गई 8, तो t 8 आएगी. T8 का मतलब स्टार्टिंग से 8th टर्म, यानी कि ये वाली टर्म होगी. अब देखो लास्ट से 4th नंबर पे है 1, 2, 3, 4. रिपीट करता हूं, टोटल टर्म्स 11 थी और हमसे पूछा गया स्टार्ट से लास्ट से 4th नंबर की टर्म कौन सी होगी, तो सीधा रूल, मैंने देखा m 11 है, n मुझे इसने 4th कह दिया, तो इट विल बी 11 माइनस 4 प्लस 1, 11 माइनस 4 7 प्लस 1 8, मीन्स ये स्टार्टिंग से 8th नंबर पे होगी. तो देखो जो लास्ट से 4th पर है वो स्टार्ट से 8th नंबर पर है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इट इज 25. अभी मेरा ये मतलब नहीं था कौन सी निकालूंगा, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं वो कैसे आएगी. अब अगर मैं यही क्वेश्चन कर लेता लास्ट से 7th नंबर की टर्म निकालो, तो लास्ट से 7 निकालने से अच्छा है मैं लिखता 11 माइनस 7 प्लस 1, 11 माइनस 7 4 प्लस 1 5, तो वो स्टार्ट से 5th नंबर पे होती, देख लो भले
1, 2, 3, 4, 5 ये है और लास्ट से 7 नंबर पे होगी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तो लास्ट से वो 7 नंबर पे है, स्टार्टिंग से 5th नंबर पे। तो रूल याद रखना, कभी भी आपसे लास्ट से कोई टर्म नंबर पूछे और हम चाहते हैं स्टार्ट से देखना, तो क्या करना, टोटल टर्म माइनस जितने नंबर की टर्म लास्ट से पूछी है वो प्लस वन, एक नंबर हमेशा इंक्रीज कर देना। ओके, नाउ यू कैन राइट, ये बेसिक रूल है, ये याद होना चाहिए। ठीक है, नाउ मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के एन टर्म्स का सम, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना। देखो हम इसका डेरिवेशन भी कर लेंगे। अगर हम बात करें सम ऑफ एन टर्म्स का मतलब क्या है, एपी की एन टर्म्स का एडिशन, तो मैंने एस एन जब लिखने की बात करी तो मुझे लिखना क्या होगा, टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री प्लस टी फोर प्लस टी फाइव प्लस एंड सो ऑन टी एन, मतलब टोटल एन टर्म्स का सम। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, एस एन इज इक्वल टू ए ए प्लस डी ए प्लस टू डी प्लस एंड सो ऑन चलता रहूं, और लास्ट वाली टर्म जो एन एथ है उसको मैं एल मान लू, इससे प्रीवियस टर्म क्या ले लें एल माइनस डी, उससे पीछे एल माइनस टू डी प्लस एंड सो ऑन, मैंने एन वी टर्म को एल ही मान लिया, लास्ट टर्म एल एल ले ली। अब मैं दोबारा इसी एस एन को लिखता हूं, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 करो या 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 करो, रिजल्ट चेंज नहीं होता, मतलब सीक्वेंस बदलने से रिजल्ट चेंज नहीं होगा। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, एल प्लस एल माइनस डी एल माइनस टू डी एंड सो ऑन, मैं यहां से लिखना स्टार्ट कर रहा हूं, ए प्लस टू डी ए माइनस डी सॉरी ए प्लस डी एंड ए, मतलब एक बार मैंने यही सीरीज स्टार्ट से लिख दी, एक बार मैंने यही सीरीज लास्ट से लिख दी। अब मैं जैसे ही दोनों को ऐड करता हूं, मुझे वैल्यू निकालनी है सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ ए पी, यानी कि एस एन की वैल्यू निकालनी है, ऐड कर दो इन दोनों को, तो एस एन और एस एन 2SN, एडिशन करते इधर क्या आया ए प्लस एल, इन दोनों को ऐड करते ही वापस क्या आएगा ए प्लस एल, इनको ऐड करते ही फिर से क्या आएगा ए प्लस एल, क्योंकि 2D तो कट जाएंगे, प्लस और माइनस के अभी पीछे प्रूफ किया था, लास्ट में ऐड करोगे तो भी क्या आने वाला है ए प्लस एल, उससे पहले भी ए प्लस एल एंड सो ऑन, हर तरफ ए प्लस एल आ रहा है। अच्छा, ये टोटल टर्म्स एन थी, तो ये टर्म्स भी एन है पूरी और ये भी एन है, जब ऐड कर रहे हो तो पेयर वाइज बना रहे हो 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, एन टर्म्स ऐड हुई है, तो ये भी टर्म्स टोटल एन टर्म्स है। रिपीट करता हूं, मैंने सबसे पहले एपी में एन टर्म्स का सम चाहिए, मींस टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री प्लस टी फोर एंड सो ऑन टी एन, मुझे एन टर्म्स का सम चाहिए था, तो मैंने एक बार एपी की एन टर्म्स को इस तरह से लिखा ए ए प्लस डी ए प्लस टू डी ए प्लस थ्री डी एंड सो ऑन एल तक, एक बार मैंने बैक से लिख दिया एल एल माइनस डी एल माइनस टू डी एंड सो ऑन, जैसे ही ऐड करते हैं ए प्लस एल इधर ऐड करते ही अगेन ए प्लस एल, इधर ऐड करते ही ए प्लस एल ए प्लस एल ए प्लस एल ए प्लस एल, तो ए प्लस एन आया, लेकिन कितनी बार आया एन बार। इसको यू एग्जाम्पल से समझो, 5 + 5 + 5 थ्री बार ऐड करोगे तो 5 × 3 = 15, 5 को 7 बार ऐड करोगे तो 5 × 7, 5 को 20 बार ऐड करोगे तो 5 × 20, तो ऐसे ही ए प्लस एन को एन बार ऐड करोगे तो 2SN हो जाएगा एन इंटू ए प्लस एल, और अगर मैं एस एन की बात करूं तो एन बाय टू, ये 2 इधर आकर के डिवाइड हो गया ए प्लस एल, मीन्स सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ ए पी इज इक्वल टू एन बाय टू, ए इज फर्स्ट प्लस एल इज लास्ट,
तो कभी भी किसी सीरीज की एन टर्म्स का सम चाहिए एपी की, तो ये होता है एन बाई टू इंटू ए प्लस एल, एन बाई टू इंटू फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म, एक रूल। अब मुझे पता है टोटल टर्म्स कितनी है, एन, तो लास्ट टर्म कितने नंबर पे होगी, टी एन पर, और एल की जगह पर मैं लिख सकता हूं एन वी टर्म है, ए तो ये रहा, तो एन वी टर्म होती है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन वी टर्म हमेशा होती है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एड कर लो तो फार्मूला बन गया टी एन इज इक्वल टू एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो एस एन इज ऑलवेज, दो फार्मूले हमारे पास में बेसिकली आते हैं, फर्स्ट इज एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और वी कैन से एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू ए प्लस एल, फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, और बहुत सी जगहों पर ऐसे भी लिखा जाता है ए प्लस एल बाई टू है, मतलब फर्स्ट और लास्ट की एवरेज, तो एन इंटू फर्स्ट और लास्ट की एवरेज। ठीक है, आप इसको एक बार दोबारा से रिवाइज कर लो एंड देन इसे नोट कर लो। अब देखो, अभी हमने रूल लिखा था एस एन, हम समझ चुके हैं एस एन इज इक्वल टू सम ऑफ एन टर्म्स। अगर मैं यही बात लिखता हूं एस एन को ऐसे टी वन प्लस टी टू प्लस एंड सो ऑन टी एन माइनस वन प्लस टी एन, अब अगर मैं एस एन माइनस वन लिखता हूं तो इट विल बी सम ऑफ एन माइनस वन टर्म्स, तो ये हो जाएगा टी वन प्लस टी टू प्लस एंड सो ऑन टी एन माइनस वन। आप वन में से टू को सब्ट्रैक्ट कर दो, वन माइनस टू गिव्स क्या होगा एस एन माइनस एस एन माइनस वन, टी वन से टी वन कैंसिल, टी टू से टी टू कैंसिल, टी थ्री से टी थ्री, टी फोर से टी फोर, सब सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, बचेगा कौन लास्ट में, ये भी कैंसिल, ओनली टी एन। तो कभी भी आपको किसी भी सीरीज में एस एन दिया हुआ हो, याद रखना किसी भी सीरीज में एस एन दिया हुआ हो और आपको टी एन निकालना है, मतलब एनवी टर्म निकालनी है, सम ऑफ एन टर्म्स दे दिया लेकिन पूछा है कि एनवी टर्म क्या होगी, तो क्या करना एस एन में से एस एन माइनस वन को सब्ट्रैक्ट कर देना, इट विल बी टी एन, इट विल बी टी एन, ये याद रखना हमेशा। और अगर कोई मुझसे डायरेक्ट पूछ ले d क्या होगा, कॉमन डिफरेंस क्या होगा, मुझे sn दिया हुआ है और कहे d क्या होगा, सर ये बताओ, तो d के लिए बेस्ट तरीका है आप क्या करो s2 माइनस 2s1 मींस सम ऑफ टू टर्म्स में से वन टर्म के सम का डबल माइनस कर दो। देखो कैसे, इसके पीछे भी सिंपल सा लॉजिक लगाते हैं, s2 मैं निकाल रहा हूं तो मैं क्या लिखूंगा a प्लस डी, टू टर्म्स तो यही होगी, s1 क्या होगा a, ओनली a, तो ये हो गया 2a प्लस डी और इधर हो गया a, s2 हो गया 2a प्लस डी और s1 तो सिर्फ वन टर्म ही है, वन टर्म का सम लिखो या वन टर्म लिखो, बात तो एक ही। अब मैं d की वैल्यू निकालना चाहता हूं तो मैंने क्या करा, a की वैल्यू s1 यहां पर पुट कर दी, तो उससे क्या है d प्लस टू एस वन इक्वल टू एस टू, तो d की वैल्यू क्या आई एस टू माइनस टू एस वन। मीन्स आप कभी भी ap की अगर n टर्म्स का सम दिया हुआ है और पूछे nv टर्म क्या होगी, तो डायरेक्ट याद रखना sn में से sn माइनस वन को सब्ट्रैक्ट करना है, और अगर यही बात कॉमन डिफरेंस पूछ ले तो कुछ मत करना, S2 में से 2S1 को सब्ट्रैक्ट कर देना, नहीं तो इसकी एक ट्रिक इसकी भी बता देता हूं, एक बार लिख लो फिर देखते ही आपको SN देखते ही ट्रिक बता दूंगा, सीधा आंसर निकल जाएगा। देखो अब SN के लिए भी रूल याद रखना, जैसे TN के लिए हमने एक जनरल टर्म लिखी थी तो हमने लिखा था TN हमेशा इस तरह की फॉर्म में बनेगा AN प्लस B, और SN हमेशा ऐसी फॉर्म में बनता है ए एन स्क्वायर प्लस बी एन, ये याद रखना एस एन हमेशा
ए एन स्क्वायर प्लस बी एन की फॉर्म में होगा। मीन्स एक तो एन स्क्वायर की कोई ना कोई टर्म आएगी और एक सिंपल एन वाली कोई ना कोई टर्म जरूर आएगी। एक्स्ट्रा कुछ आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ए एन स्क्वायर प्लस बी एन जरूर आएगा, इस चीज को हमेशा याद रखना। अब अगर इससे कॉमन डिफरेंस की बात करें ना, कॉमन डिफरेंस निकालना है तो एक तो तरीका है डी में निकालूं एस टू माइनस टू एस वन करके, उससे बेटर है मैं डायरेक्ट कॉमन डिफरेंस इसके थ्रू निकाल सकता हूं, जो एन स्क्वायर का मल्टीपल है उसका डबल कर दो, बस आंसर। जो एन स्क्वायर हो उसका मल्टीपल का डबल कर दो, आपके पास कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा। मीन्स अगर एपी है ऐसे लिखी हुई है सीरीज और मुझसे पूछे कॉमन डिफरेंस क्या होगा, तब तो मैं सीधा क्या करूंगा, जो ये है इसको लिख दूंगा। अब इससे कंफ्यूज मत होना, इधर ए लिखा इधर टू ए लिखा है, भाई ये बात उसके लिए थी टीएन के लिए। अब जब एसएन आपको मिलेगा इस फॉर्म का मिलेगा और पूछे कॉमन डिफरेंस क्या होगा, तो डायरेक्ट एन स्क्वायर का जो मल्टीपल है उसका डबल कर देना, इट इज कॉमन डिफरेंस, खत्म। ठीक है, ये सीधा आंसर आएगा, क्वेश्चन करेंगे इससे रिलेटेड।